त्रेता युगामध्ये प्रभु श्रीरामाच्या आगमनावेळी जेवढा सुखद अनुभव होता तेवढा सुखद अनुभव राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या दिवशी असणार आहे. जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज यांचं वक्तव्य. त्रेता युगामध्ये प्रभू श्रीरामाच्या आगमनावेळी जेवढा सुखद अनुभव होता तेवढा सुखद राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा असणार आहे. प्रभू रामासाठी माझी प्रतिभा कामी आली याचा मला खूप प्रसन्न वाटतंय. हिंदूंचा हा अभ्युदय काळ आहे. 2024 मध्ये मोदीजी पुन्हा पुनरावृत्ती करतील. राम मंदिराचे श्रेय मोदींना नक्कीच जाईल कारण त्यांनी आम्हाला मदत केली. काँग्रेस काळात आम्हाला नजरबंदीत ठेवलं गेलं. राजीव गांधींनी कुलूप उघडलं पण ते लॉलीपॉप होतं. बाळासाहेब ठाकरे खूप चांगले व्यक्ती होते. मुस्लिम धर्मगुरू म्हणतायत यापुढे मशीद देणार नाही. यावर जगद्गुरु रामभद्राचार्य आपली प्रतिक्रिया दिली. कोर्टाने सांगितले तर त्यांचे पैगंबर ही देतील. जिस तरीके से इतने दिन की प्रतीक्षा थी राम मंदिर का निर्माण को लेकर अब पूरा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा सुखद? मैं तो देख रहा हूँ कि ये उतना ही सुखद होगा जितना सुखद त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों को सुख मिला था. उसमें अब आप चूंकि आपकी गवाही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही और कितना आपके लिए व्यक्तिगत एक सुखद अनुभूति है क्योंकि पूरे देश भर की जो प्रतीक्षा थी आपके बयान के बाद पूरी हुई. मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी को ग्लानी थी कि प्रभु के ये कहूँ काज न आयो, पर मुझको ग्लानी नहीं है क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान राम के काम में आई. मैं बहुत प्रसन्न हूँ. उनकी टिप्पणी मैं नहीं करता. मुझे आमंत्रण आया है मैं इतना जानता हूँ. स्वामी जी इसको कैसे देख रहे हैं कि लगातार राम मंदिर पर इतने सालों से विवाद और राजनीति दोनों हो रही थी जिस पर अब पूर्ण विराम लग रहा है और इसका श्रेय संतजनों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं को भी मिल रहा है जिस पर टिप्पणी लगातार जारी है. लोगों का कहना है कि ये कोर्ट के निर्देश से बन रहा है लेकिन पूरा जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार मोदी सरकार ले रही है जिस पर विपक्ष की नाराजगी अभी भी जाहिर है. तो ठीक है, पर केंद्र सरकार की भूमिका तो वही है. कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की. तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी तीन नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है. हम अल्फाबेटली काम करेंगे. अ का म, पहले अयोध्या फिर काशी फिर मथुरा. अभी वहां भी कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करने के लिए मथुरा में, तो उसे तो कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, हिंदुओं का अभ्युदय काल है. महाराज जी, एक समय में केजरीवाल कहते थे कि मंदिर नहीं अस्पताल होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि हम फ्री में अयोध्या घुमाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो केजरीवाल का बयान कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता, वो तो अवसरवादी व्यक्तित्व है. गुरु जी, जिस तरीके से हाल में जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस समय अब लोगों को इनवाइट करने को लेकर के भी देश भर में राजनीति शुरू है. कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन नहीं भेजा गया, जानबूझकर एक पार्टी हाईजैक कर रही है पूरे इस कार्यक्रम को. ऐसा कुछ नहीं, सबको भेजा गया आमंत्रण, विपक्षों को भेजा गया, हमको पूरा समाचार है. 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपका क्या विश्वास? मोदी फिर रिपीट करेंगे, मेरा विश्वास है. उतने में तो कल्याण हो जाएगा. स्वामी जी इस चीज को कैसे देख रहे हैं? बात क्योंकि लगातार राजनीति और राजनेताओं की हो रही है. बात आपने अभी भी कही कि दोबारा मोदी आएंगे तो आपको इसकी खुशी होगी, लेकिन लगातार यही इल्जाम लग रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को जाएगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारी सहायता की थी. क्यों नहीं जाएगा? सोनिया ने तो भाई विरोध किया था. सोनिया जी ने तो पत्र लिखा था कि राम जी पैदा ही नहीं हुए अयोध्या में. हमने सुनो, मुझे बोलने दो. अब सोनिया ने विरोध किया था, शपथ पत्र दिया था कोर्ट में कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए. उनके फाइली प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मैंने खंडन लिखा कि सोनिया को ये ज्ञान नहीं है
भारती तक कोई ज्ञान सोनिया जी को नहीं है, वो तो कहती गन्ना खेत में बोया जाता है। पर मनमोहन सिंह को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब में 5600 बार राम नाम की चर्चा है। तो कहने वाले कहते रहते हैं हमें अपना काम करना चाहिए, केंद्र सरकार ने हमने गवाही दी। मैंने आपको ये बार बार आप पत्रकारों को मैं बता रहा हूँ कि तीन नदियों के मिलने के बाद ही नहीं प्रयाग बनता है। हमने आंदोलन किया और गवाही दी और संतों ने सबने आंदोलन किया और केंद्र सरकार ने सहायता की, तो त्रिवेणी हो गई तो प्रयाग बन गया। सर एक सवाल ये कि मुस्लिम समाज की एक बेटी है वो अयोध्या जा रही है, पैदल चल के जा रही है, उनका कहना है कि वो सनातनी मुस्लिम है, इस चीज को कैसे देखते हैं? अच्छा है, परिवर्तन आ रहा है। अच्छा है, अभी तो कल ही मैंने एक कन्या को हिंदू धर्म में परावर्तित किया अभी कल ही। महाराज विपक्ष कहता है कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को हाईजैक करके नहीं ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमने नहीं सुना। भारतीय पार्टी करे कि वो मेरे ही हैं, भगवान राम सबके हैं और सबके रहेंगे। पर विपक्ष को पहले क्यों नहीं ये सूझा, क्यों मुलायम सिंह ने गोली चलाकर सर्व खून की धारा बहा दी, खून की नदी बहा दी? क्यों कांग्रेस ने हमको 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 सपोर्ट नहीं किया? क्यों हमारे पर दंड चलाए गए? क्यों हमको जेल भेजा गया? क्यों नजरबंद किया गया? क्या बात कर रहे हो? मैं किसी पर बोल सकता हूं, मैं तो महाराज हूं, मैं महाराज नीत करूंगा। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के बन जाने के बाद से अन्य हिंदू मंदिरों का भी उद्धार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अंदर सवाल खुला रह गया, आप राजनीति की टिप्पणी कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है जब किसी राज्य में किसी धार्मिक स्थल को तोड़ रहा हो? उसकी जिम्मेदारी तो विरोध करना। लोकनायक न्यूज़।